दोस्तों इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री में नंबर वन माने जाने वाले जियो और एयरटेल अब बीएसएनएल के टेक्नोलॉजी को कॉपी करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो ना तो जियो के पास है ना कि एयरटेल के पास है। वैसे आप सोचने लगे होंगे कि बीएसएनएल और एयरटेल ये कहां इसका मुकाबला हो सकता है, क्योंकि अभी बीएसएनएल 4G ही लॉन्च कर रहा है, जहाँकि एयरटेल और जियो ये दोनों 5G लॉन्च कर चुके हैं पूरे पैन इंडिया में। लेकिन दोस्तों आपको शायद सुनकर यह हैरानी होगी कि जो टेक्नोलॉजी अभी बीएसएनएल के पास है वो जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पास भी नहीं है। इनफैक्ट ये पूरे वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं, इनफैक्ट ये अमेरिका के पास भी नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि बीएसएनएल के एक टावर से 1 करोड़ लोग आसानी से बात कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी बीएसएनएल के पास है। लेकिन बाकी और जो देश है उन लोगों के पास भी नहीं है, जैसे रशिया भी है, चाइना भी है और दोस्तों अमेरिका भी है। चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी दोस्तों उसके पास जो 35 लाख लोग एक साथ जो है कि बात कर सकते हैं, और जो कि 50 से 60 लाख लोग एक साथ बात कर सकते हैं एक टावर से, अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। लेकिन इंडिया के पास जो टेस्ट की गई है दोस्तों, इस समय जो पंजाब में चल रहा था उसका बीटा वर्जन लॉन्च करके, उसमें पाया यह गया कि बीएसएनएल के एक टावर से 1 करोड़ लोग आसानी से बात कर सकते हैं, क्योंकि बीएसएनएल में ऑलरेडी जो है फ्री में सिम दे दे करके चेक किया ये जा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही थी कि जियो और एयरटेल ये दोनों कंपनियां बीएसएनएल की टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, बीएसएनएल की जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों ये पूरे इंडिया में ही बनाई गई है, बाहर से कुछ भी इसमें नहीं किया गया है, सब कुछ जो है कि इंडिया में ही किया गया है। और ये आपको जो है कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि बहुत से बड़े बड़े समृद्ध जो देश है वो भी ये काम नहीं कर पाए जो आज हमने कर दिखाया है। तो इसलिए थोड़ा सा इसकी और जो है कि सियोरिटी करने के लिए कुछ टाइम लिया गया है, और जो है कि इसको पूरी तरीके से जो है कि काम इस पे चल रहा है। इस वजह से दोस्तों के मार्च महीने के बाद अब बीएसएनएल के इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा जो कि रुकावट देखा गया है, क्योंकि दोस्तों टीसीएस के पास अभी इक्विपमेंट जो है तैयार पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं, बीटीएस वगैरह जो है ये पूरी तरीके से भी नहीं रेडी हो पाए हैं, ऐसा जो कि तेजस नेटवर्क ने बताया है। क्योंकि तेजस नेटवर्क का काम है पूरे इंडिया में टावर लगाना, और टावर पे जितने भी इक्विपमेंट चाहे सॉफ्टवेयर चाहे हार्डवेयर है ये सारे जो है प्रोवाइड कराने का काम जो है टीसीएस का है। तो टीसीएस और तेजस नेटवर्क दोनों मिलकर के बीएसएनएल के लिए दोस्तों जो टावर लगा रहे हैं, पूरे इंडिया में 1 लाख टावर लगाएंगे। और दोस्तों जैसे बीएसएनएल का 4G लॉन्च हो जाएगा, इसके बाद जो है बीएसएनएल अपना 5G भी लॉन्च करने वाला है। तो वैसे दोस्तों लोगों का कहना ये भी है कि 2G और 3G का क्या होगा, तो दोस्तों धीरे धीरे सरकार क्या करेगी, 2G पहले बंद करेगी फिर 3G भी बंद करेगी। वैसे भी जल्द 2G और 3G बंद होने की बात चल रही थी, तो उसमें सरकार ने ये कहा है कि हम कंपनियों को ऊपर छोड़ते हैं, जो कंपनी अपना 2G और 3G नेटवर्क बंद करना चाहती है वो बंद कर सकती है। लेकिन दोस्तों जो है कि वोडाफोन आइडिया ये अपना 2G 3G अभी नहीं बंद कर रही है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास जो अभी भी 2G और 3G वाले ग्राहक है दोस्तों वो टोटल 9 करोड़ के आसपास है। तो ऐसे में क्या कि कंपनी अभी कोई भी बंद नहीं कर रहा है, और 5 लाख टावर जो एयरटेल के पास भी है जो कि अभी 2G पे ही चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अभी कंपनियां ये बंद नहीं करेंगी, इसको अभी लंबा चलाएंगी, और जब तक पूरे पैन इंडिया में प्रॉपर तरीके से 5G स्टेबल न हो जाए तब तक कोई भी कंपनी जो है कि अभी भी अपना जो है कि 2G और 3G नेटवर्क बंद नहीं करेगी। तो कैसे जानकारी आपको कैसे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और भी क्लिक करें ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते कैसे कि नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।